तारीख 9 नवंबर दिन शनिवार सुबह के करीब 9 बजे थे। बिहार के बेगूसराय में बरौनी जंक्शन पर एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसी मौत हुई जिसे फिलहाल रेलवे के इतिहास में सबसे दर्दनाक मौत बताई जा रही है। ये कहानी शंटमैन अमर कुमार की है। 9 नवंबर की सुबह लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी। इस दौरान शंटमैन अमर कुमार ट्रेन के इंजन और इंजन से जुड़े लगेज कोच के बीच की डीकपलिंग कर रहे थे। हालांकि इस दौरान गलती से इंजन पीछे हुआ और उनकी बोगी और इंजन के बीच दबकर मौत हो गई। अमर कुमार की ये जो तस्वीर है वो फिलहाल पूरे देश में वायरल हो रही है। पूरे देश में लोग इस पर प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। एक बार फिर लोगों का गुस्सा भारतीय रेलवे और खास तौर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर फूट रहा है। कहा जा रहा है कि रेल मंत्री बुलेट ट्रेन और सेमीकंडक्टर का ज्ञान तो फराटे से दे देते हैं, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है वो ही नहीं संभाल पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जापान और जर्मनी की ट्रेनों के भी कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जहां इंसानों को अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे रेल इंजन की कपलिंग और डीकपलिंग नहीं करनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी भी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों इस आधुनिक युग में भी भारत में मशीनों की बजाय इंसान अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। सबसे पहले आपको बिहार के बरौनी जंक्शन पर हुई इस घटना के बारे में और शंटमैन अमर कुमार के बारे में और जानकारी दे देते हैं। अमर कुमार सिर्फ 35 वर्ष के थे और अगले महीने की 11 तारीख को उनकी शादी भी होने वाली थी। हालांकि इससे पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए। भारतीय रेल ने अभी तक इस घटना में जो जाँच की है उसके मुताबिक ये घटना रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई थी। ट्रेन के इंजन को बोगी से अलग करने के दौरान मोहम्मद सुलेमान नाम का जो शंटमैन था, इंजन के लोको पायलट को उसने गलत सिग्नल दे दिया और उसकी गलत सिग्नल देने की वजह से ही ये लापरवाही हुई। और बस गलत सिग्नल देने की वजह से लोको पायलट ने इंजन पीछे कर लिया। बस घटना के बाद लोको पायलट भी मौके से फरार हो गया। हादसे को समझाने का ये वर्जन भारतीय रेलवे से आया है। हालांकि अमर कुमार के परिवार वालों का कहना है कि ट्रेन की कपलिंग और डी कपलिंग के लिए 4 से 5 रेलवे कर्मियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मामले में सिर्फ 2 रेल कर्मियों ने ही इस काम को पूरा किया। बताया तो ये भी जा रहा है कि हादसे के बाद मृतक का शव करीब 2 घंटे तक ऐसे ही इंजन और बोगी के बीच लटका रहा और वहीं पर फंसा रहा। 2 घंटे के बाद जब परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे तो शव को वहां से निकाला गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक उनसे पता चला है कि अगले साल 2024 में मैनुअल कपलिंग से संबंधी काम से तकरीबन 13 घटना हुई है, जिनमें से कम 7 रेलवे कर्मचारियों की जान भी जा चुकी है। इस घटना के बाद कुछ और आंकड़ों पर नजर घुमाना जरूरी हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मिलाकर 23,000 ट्रेनें हैं, जिनमें से एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10,000 ट्रेन ऐसी हैं जिनमें कपलिंग और डी कपलिंग का काम मैनुअल होता है, यानी इंसान इस काम को पूरा करते हैं। ये वो ट्रेनें होती हैं जिनमें इंजन ट्रेन के सिर्फ एक तरफ लगा होता है। ट्रेन का एक चक्कर पूरे होने के बाद इस इंजन को बोगियों से अलग करके दूसरी तरफ लगा दिया जाता है। जिन ट्रेनों में इंजन दोनों तरफ लगा होता है वहाँ कपलिंग और डीकपलिंग की जरूरत नहीं होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप वंदे भारत ट्रेनों को देख सकते हैं। साल 2023 में भारतीय रेलवे ने इसी कॉन्सेप्ट को बताते हुए भी एक वीडियो भी शेयर किया था। वंदे भारत को एक आत्मनिर्भर ट्रेन सेट भी बताया गया था। मैनुअल कपलिंग की प्रक्रिया को वैसे तो काफी सेफ बताया जाता है, काफी सुरक्षित बताया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे वीडियोस भी देखने में आते हैं जब रेल कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। इंजन और बोगियों को जब करीब लाया जा रहा हो तो कायदे से किसी भी कर्मचारियों को बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार बस समय बचाने के लिए कर्मचारी ये खतरा उठा लेते हैं। बिहार में हुए हादसे के बाद बहुत सारे लोग आज ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि विदेश में कपलिंग कैसे होती है। इस सिलसिले में जर्मनी और जापान की बुलेट ट्रेनों के भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी रेलगाड़ियों में शंटिंग ऑटोमेटिक होती है और मशीनों से की जाती है, वहाँ इंसानों की जरूरत नहीं होती है। इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि क्या भारत में बिल्कुल भी ऑटोमेटिक कपलिंग नहीं होती, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में 13,500 ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें दोनों तरफ इंजन लगे हुए हैं और इसी के कारण ट्रेनों को इंजन को डिटैच करके अलग नहीं करना पड़ता। ट्रेनों के अलावा ये ऑटोमेटिक कपलिंग की प्रक्रिया आपको दिल्ली मेट्रो और देश के तमाम मेट्रो सेवाओं में भी देखने को मिल जाएगी। ऑटोमेटिक कपलिंग करना कोई बहुत महंगा खर्चा भी नहीं है। हालांकि जैसे हमने आपको बताया कि भारत में अभी भी 10,000 ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें मैनुअल कपलिंग करनी पड़ती है। जानकारी के मुताबिक इनमें से कुछ पैसेंजर ट्रेनें हैं तो ज़्यादातर मालगाड़ियां हैं। बहरहाल जब ऐसे हादसे होते हैं तो सवाल उठता है कि इन 10,000 ट्रेनों को भी क्यों मॉडर्नाइज नहीं किया जाता। भारत में मैनुअल कपलिंग कब खत्म होगी? भारतीय रेलवे को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।